धौलपुर गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़किला ग्वालियर श्री गुरु हर गोविंद साहेब जी द्वारा 52 हिंदू राजाओं को रिहा करवाने की 400 वर्ष शताब्दी को लेकर ऐतिहासिक नगर कीर्तन का आयोजन गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़किला ग्वालियर की ओर से किया गया, जिसको लेकर ऐतिहासिक नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ 27 अक्टूबर ग्वालियर से 3 नवंबर अमृतसर साहिब तक किया जा रहा है। यात्रा का धौलपुर में सिख संगत द्वारा शेर शिकार गुरुद्वारा संत ठाकुर सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में भाग लेने वाले सिख समाज के संतों का माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आज से 400 वर्ष पूर्व मेरी पीरी के मालिक श्री गुरु गोविंद साहब द्वारा जागीर भाषा की ओर से ग्वालियर मध्य प्रदेश के किले में कैद किए गए 52 हिंदू राजाओं को रिहा करवाया गया। दीपावली के अवसर पर अमृतसर साहिब पहुंचकर ऐतिहासिक नगर कीर्तन का आयोजन कर बंदी छोड़ दिवस की 400वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। बाड़े उपखंड के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 11B पर आज खानपुर के समीप एक तेज रफ्तार रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे आरएस की परीक्षा देने जा रही महिला अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से स्टाफ जनक सिंह एवं सत्येंद्र मीणा के द्वारा बाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। यहाँ महिला के शरीर में ज्यादा चोट एवं रीढ़ की हड्डियों में चोट होने के कारण उसे बाहर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला का नाम अंजलि शर्मा, पत्नी देवेंद्र कौशिक निवासी बसेड़ी है, जो बसेड़ी से धौलपुर पेपर देने जा रही थी। सरमथुरा से बिस्लू सोनी की खास रिपोर्ट। धौलपुर शहर का सचिन तिवारी को युवा जिला अध्यक्ष मानव अधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन का धौलपुर जिले से युवा जिला अध्यक्ष प्रदेश संगठन महासचिव राजेंद्र पवार द्वारा बनाया गया। साथ में हूँ CPRA प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान ने मुझे युवा जिला अध्यक्ष का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेश बेअसर। राजाखेड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा के द्वारा दिनांक 21/10/2021 को उच्च प्राथमिक विद्यालय राज पब्लिक स्कूल राजाखेड़ा के संस्था प्रधान को आदेश दिए थे कि सत्यनाम सिंह निषाद निवासी देवदास का पूरा पंचायत सिंघावली कला तहसील राजाखेड़ा के बच्चे आपके विद्यालय में अध्ययनरत थे। सत्यनाम सिंह ने अपने बच्चों की व्यस्तता के कारण नजदीकी विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु विद्यालय से TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बच्ची विनम्रता व पुत्र रत्नेश कुमार के प्रमाण पत्र मांगे तथा सतनाम सिंह के द्वारा विद्यालय में पुत्र रत्नेश व पुत्री विनम्रता की 19,000 की फीस भी जमा करा दी गई, लेकिन संस्था प्रधान के द्वारा सत्यनाम को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ रहा है, जिससे बाबत सतनाम के द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा को TC दिलवाने बाबत एक पत्र भी दिया गया। इस पत्र पर जिस ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा द्वारा संस्था प्रधान को छात्र की TC दी जाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अवगत कराने के आदेश प्रदान किए थे, लेकिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेशों का संस्था प्रधान पर कोई असर दिखाई नहीं दिया एवं सत्यनाम के द्वारा श्रीमान उपखंडाधिकारी राजाखेड़ा को भी एक पत्र दिया गया है, जिसमें उसने बच्चों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाए जाने की मांग की है। निजी संस्थाओं के द्वारा छात्र छात्राओं के अभिभावकों को खुलेआम शोषण किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अधिकारी ऐसे स्कूलों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं जिन स्कूलों के द्वारा छात्र छात्राओं के अभिभावकों का खुलेआम बुरी तरह से आर्थिक शोषण किया जा रहा है। संबंधित उच्च अधिकारियों के आदेशों को न मानते हुए संस्था प्रधान अपने मनमाने तरीके से स्कूल चलाने पर उतरे हैं, तो क्यों नहीं ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जाती? क्या संस्था प्रधान इसी तरह से अपना अड़ियल रवैया अपनाते रहेंगे एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण करते रहेंगे? संघ धौलपुर की बैठक श्री रामकृष्ण आश्रम मचकुंड रोड धौलपुर पर आयोजित की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पदों का चयन किया गया। विप्र संघ अध्यक्ष के रूप में राजकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा, सचिव अवधेश तिवारी, सह सचिव हरिओम उपाध्याय, कोषाध्यक्ष अरुण त्रिपाठी, सह कोषाध्यक्ष रवि कुमार, मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शर्मा, मुख्य सदस्य अरुण शर्मा, संरक्षक राकेश शर्मा, सलाहकार योगेश तिवारी, सह सलाहकार मनोज पारासर को मनोनीत किया गया। कमेटी द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी प्रक्रिया में जिले में सदस्यता अभियान प्रारंभ किया जाएगा। बाड़ी क्षेत्र के लिए कंचनपुर थाना गांव गढ़वाली में आज शाम को करीब 5 बजे हादसा हुआ, जिसमें लक्ष्मण सिंह कुशवाहा सनाफ राम का खिलाड़ी ज्योति कुशवाहा उम्र 35 वर्ष, जिसमें दूसरे अज्ञात व्यक्ति संतोष सनाफ सोनाराम उम्र 50 वर्ष ज्योति ब्राह्मण, वही दूसरों की भीड़ संतोष कुमार शर्मा के खेत में घुस गई। वहीं उसने समझा कि लक्ष्मण कुशवाहा की भीड़ मेरे खेत में आ गई है, तभी अचानक नाराज होकर उसने 315 बोर की देसी कट्टे से उसने 4-5 राउंड फायर किए, जिसमें एक राउंड उसके दाहिने पैर में लग गया, जिस पर मौके से लक्ष्मण
शराब संतोषी और उसका चचेरा भाई का लड़का और तीन अज्ञात लोग मौके से फरार हो गए, क्योंकि लक्ष्मण सिंह को जान से मारने की फिराक में थे। वहीं लक्ष्मण सिंह गोली लगने के कारण खेत में ही अचेत होकर गिर पड़ा। वहीं लक्ष्मण सिंह के साथ खेतों में काम कर रहे विमलेश कुशल, श्रीनिवास बेताली और लक्ष्मण सिंह की धर्मपत्नी मौके पर ही मौजूद थे। वह मौके पर गोली की आवाज सुनने पर लक्ष्मण सिंह के पास आकर उन्हें मौके से उठाकर बाड़ी समाज चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं बाड़ी समाज चिकित्सालय ने लक्ष्मण सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उसे धौलपुर के लिए रेफर कर दिया है। धौलपुर से संवाददाता सचिन तिवारी की खास रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के जिला संस्थापक चंद्रभान चौधरी ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्ष व शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण प्रारंभ करने एवं गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों की मुक्ति के क्रम में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। चंद्रभान चौधरी ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश स्तरीय निर्णय के अनुसार राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शीघ्र प्रारंभ करने राजस्थान के विभिन्न जिला कलेक्टर कार्यालय, SDM कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों एवं BLO जैसे गैर शैक्षिक कार्यों में लगे हुए शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर उन्हें शिक्षण कार्य हेतु विद्यालय में उपस्थिति देने हेतु राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाए। उपरोक्त सभी मांगों को राजस्थान सरकार से शीघ्र ही पूरा करने हेतु आग्रह पूर्वक निवेदन किया जाता है, तथा साथ ही में सरकार को सकारात्मक सुझाव देने हेतु मुख्यमंत्री स्तर पर विचाराधीन प्रस्ताव के अनुसार संगठन को वार्ता हेतु शीघ्र आमंत्रित किए जाने की भी मांग की जाती है, ताकि और भी शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षकों की समस्याओं को राज्य स्तरीय समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जा सके। ज्ञापन संगठन मंत्री राकेश प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौहान सिंह, उपाध्यक्ष नीतू अग्रवाल, भारत गुर्जर एकीकृत महासंघ के महामंत्री योगेश पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष रामवरण कपासिया, मधु यादव, संतोष चौधरी, निर्मला शर्मा, महिला मंत्री दुर्गावती राणा, विनोद किरार, कुलदीप चौधरी, अशोक शर्मा, करतार चौधरी, नरेंद्र यादव, रणधीर जाट सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। सरमथुरा नेशनल हाईवे 11B पर सरमथुरा उपखंड के चांदपुरा के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने एक स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी सहित मृतक का पुत्र घायल हो गया। घायलों को एम्बुलेंस 108 एवं 1033 की मदद से करौली जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मृतक का शव करौली चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कार सवार सभी उत्तर प्रदेश की मेरठ के निवासी बताए गए हैं, जो कि ग्वालियर से करौली जा रहे थे। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्राली को मौके पर छोड़कर ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, यहां से घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल करौली पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने एक जने को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्राली और कार को मौके पर जब्त कर लिया है। वहीं सरमथुरा थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मृतक मुकेश गर्ग उम्र 56 वर्ष मेरठ का निवासी है। घायलों में मृतक की पत्नी सुधा गर्ग उम्र 55 वर्ष व मृतक का पुत्र शामिल है। सरमथुरा से बिशुड़ सोनी की खास रिपोर्ट। कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां हम तैयारी करवाते हैं आर्मी, पुलिस, पटवार, रीट, नेवी, टीचर ग्रेड फर्स्ट सेकंड, NDA, ग्राम सेवक, एयरफोर्स, बैंक और SSC की। और यहां हमारे द्वारा अनाथ और विकलांग छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रवेश के लिए संपर्क करें। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।